बेंगलुरु के महालक्ष्मी मर्डर केस में एक नया मोड़ आ गया। मामले की जांच कर रही पुलिस ने कई नए खुलासे किए हैं। शव के 59 टुकड़े करने के बाद आरोपी मुक्ति रंजन ओडिशा के भद्रक तक कैसे पहुंचा, पुलिस ने यह भी पता लगा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुक्ति ने अपने दोनों भाइयों से इस हत्याकांड का जिक्र किया। छोटा भाई स्मृति रंजन बेंगलुरु के होब्बा गोडी में काम करता है, उसने ही उसे वहां से भागने के लिए बाइक मुहैया कराई। दूसरा भाई सत्यरंजन बहरामपुर में रहता है। आरोपी के वहां पहुंचने पर उसने ही उसके रुकने की पूरी व्यवस्था की थी। स्मृति को बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और सत्यरंजन से ओडिशा और बेंगलुरु पुलिस ने पूछताछ की है। इस दौरान पता चला कि बेंगलुरु में टैक्सी चलाने के लिए कार खरीदने का प्लान बना रहा था और इसके लिए उसने माँ और भाइयों से पैसे भी मांगे थे। आरोपी मुक्ति के भाई ने बताया कि मुक्ति महालक्ष्मी से बेहद प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था और उसे बाइक पर केरल ले जा रहा था, लेकिन उसने उस पर अपहरण का आरोप लगाया और लोगों ने उसकी पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी 1,000 रुपये रिश्वत लेकर उसे छोड़ दिया। मुक्ति के भाई ने बताया कि मुक्ति को महालक्ष्मी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे धमकाया भी था, इसलिए गुस्से में आकर मुक्ति ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसका गला घोंट दिया। लड़की की मौत के बाद पकड़े जाने के डर से मुक्ति ने उसे आत्महत्या दिखाने के लिए फांसी पर लटकाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे फांसी पर नहीं लटका सका और इसलिए उसने उसके शव को टुकड़ों में काट कर ओडिशा भाग गया। मुक्ति के भाई सत्यरंजन ने कहा कि वो मेरे साथ बहरामपुर में था और बहुत घबराया हुआ था। उसे इस बात का पछतावा था कि उसके इस गलत कदम ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। सत्यरंजन ने कहा कि महालक्ष्मी मुक्ति को ब्लैकमेल कर पैसे की मांग कर रही थी। उसने सोने का हार, अंगूठी और महंगा मोबाइल फोन भी ले लिया था, जिसके कारण वह पिछले 1.5 साल से मानसिक रूप से अस्थिर था। मुक्ति के भाई ने आरोप लगाया कि महालक्ष्मी के साथ अपने रिश्ते के कारण वो अपने घर पैसे भेजने और खर्च उठाने में असमर्थ था। आरोपी के नोट में क्या लिखा था? इस बीच पुलिस ने मुक्ति का नोट बरामद किया, जिसमें लिखा था, मैंने 3 सितंबर को महालक्ष्मी की जान ले ली। हमारी किसी बात पर बहस हुई, तब महालक्ष्मी ने मुझ पर हमला कर दिया। ये बात मुझे पसंद नहीं आई और गुस्से में मैंने उसे मार डाला। फिर मैंने उसकी लाश के 59 टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में डालकर वहाँ से भाग गया। मैंने कमरा साफ करने की कोशिश भी की थी ताकि लोगों को बदबू ना आए। महालक्ष्मी का व्यवहार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे बाद में हत्या का पछतावा जरूर हुआ, क्योंकि गुस्से में मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था। मैं डर गया था, इसलिए यहाँ से भाग आया। बता दें कि महालक्ष्मी त्रिपुरा की रहने वाली थी। यहाँ एक मशहूर मॉल में काम करती थी, जहाँ मुक्ति भी काम करता था। वो अपने पति से अलग होकर यहाँ अकेले रह रही थी। हालांकि उसकी माँ 15 से 20 दिन में एक बार महालक्ष्मी से मिलने जरूर आती थी, लेकिन जब उसका फोन बंद हुआ तो वो अपनी दूसरी बेटी के साथ उसके घर आई। देखा, उसकी तो लाश टुकड़ों में कटी पड़ी है। 25 सितंबर को ओडिशा के भद्रक जिले के एक गाँव में मुक्ति रंजन का शव पेड़ से लटका मिला। 21 सितंबर को बेंगलुरु के वयाली काव स्थित घर में महालक्ष्मी का शव बरामद हुआ था। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। उस लड़की का नाम महालक्ष्मी था। वो जिंदगी जी भर के जीना चाहती थी, लेकिन एक वहशी दरिंदे ने उसके 1 नहीं 2 नहीं 59 टुकड़े कर डाले। वो हैवानियत की रूह कांप जाए। पता चला हत्यारे का नाम अशरफ है। खूब सारे शो हुए, बहुत आक्रोश हुआ, नाराज हुए लोग, बिल्कुल होना चाहिए था। चीख चीख कर महालक्ष्मी के लिए न्याय मांगा गया, इंसाफ मांगा गया, बिल्कुल सही किया गया। फिर पता चला कि हत्यारा मुक्ति रंजन राय है। उसने बाद में खुद भी खुदकुशी कर ली। एकदम से सारे गोदी गिद्ध और बीजेपी आईटी सेल के भेड़िए चुप हो गए। अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा महालक्ष्मी के साथ हुई बर्बरता, उसके साथ हुई नृशंसता से। अब कोई उसके लिए न न्याय मांग रहा है, न इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अब कोई महालक्ष्मी के बारे में बात ही नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हत्यारा अब मुसलमान नहीं, हिंदू है। यही कारण है कि इस देश की बेटियों के आज भी 59 टुकड़े हो रहे हैं, क्योंकि हम उनके साथ हैवानियत कर रहे दरिंदों को, हैवानों को कटघरे में उनका धर्म देखकर खड़ा करते हैं, उनकी दरिंदगी नहीं। हैवान तो हर हो रहे हैं।